नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवती को देखा जो स्वयं बहुत सुंदर थी, सारी स्त्रियां उस पर पंखा झल रही थी और उसके पास में ही दो व्यक्ति पड़े हुए बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में करा रहे थे। नारद जी ने जब पूछा तो बोले, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, गुजरात में आकर के छिन्न भिन्न हुई और जब से मैं वृंदावन आई हूं महाराज मैं तो पुष्ट हो गई हूं, मैं तो स्वस्थ हो गई हूं, लेकिन जो हमारे दो पुत्र ये ज्ञान और वैराग्य हैं इन पर कोई असर नहीं हुआ, ये तो जैसे पहले थे वैसे ही करा रहे। तो नारद जी ने कहा, देवी ये कलयुग है, इसमें ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है, यहां तो सब किसी एन केन प्रकारेण उदर भरने में लगे हुए हैं, धनोपार्जन में लगे हुए हैं, यहां कोई ज्ञान को नहीं पूछता, यहां कोई वैराग्य को नहीं पूछता, ये तो ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं देवी कि कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तो भक्ति ने कहा, महाराज एक बात बताओ, कलयुग जब इतना खराब था कि इसमें व्यक्ति ने ज्ञान और वैराग्य को तिलांजलि दे दी, सब संसार के विषय भोगों में अंधी दौड़ में सब भाग रहे, अतृप्त घूम रहे हैं, दुखी घूम रहे हैं, तो फिर परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया था? तो नारद जी ने कहा, देवी परीक्षित जी ने कलयुग को इसलिए नहीं मारा कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। क्या गुण है महाराज? तो नारद जी ने कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देवी जो फल न तो तपस्या में है न योग में है और न समाधि लगाने में है, जो फल योग तपस्या और समाधि से भी नहीं मिल सकता देवी, वो फल कलयुग में कन्हैया के कीर्तन करने से, श्याम के कीर्तन मात्र करने से, उनका नाम संकीर्तन करने से यहां प्राप्त हो जाता है इस कलयुग में, इसलिए परीक्षित जी ने से नहीं मारा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर घर में प्रतिष्ठित कर देंगे। अच्छा, भक्ति को प्रतिष्ठित कौन करता है? भक्ति का प्रतिष्ठापन गुरु कर सकता है, संत कर सकता है, भगवान के चरणों में जो लगा दे वही तो गुरु है ना, वही तो संत है। तो भगवान के चरणों में लगाने वाला ही तो भक्ति को प्रतिस्थापित स्थापित करता है, भक्ति देता है, भक्ति प्रदान करता है। तो नारद जी ने कहा, हमारा काम ही है, संत का काम ही है। अच्छा, गुरु कौन है? गुरु तो वो है प्यारे जो स्वयं ना, स्वयं बीच में ना आए और जो शिष्य को, जो भक्त को, जो जीव को परमात्मा से जोड़ दे और स्वयं दूर हट जाए, वही गुरु है, वही संत है। तो परमात्मा से जोड़ने का काम गुरु करता है, परमात्मा से जोड़ने का काम संत करता है, और परमात्मा से जुड़ता वही जीव है जिसका अनुराग परमात्मा में होता है कि
क्योंकि बिना अनुराग के ठाकुर नहीं मिल सकते। मिल ही न रघु पति बिन अनुरागा, 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 मिलही न रघु पति बिन अनुरागा, किए कोटे जप जोग विरागा, किए कोटे जप जोग विरागा, कोटि जप जोग विरागा, मिलहिं रघुपति बिन अनुरागा। जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता, उसकी कृपा नहीं हो सकती। और अनुराग संत के पास जाकर उसकी निर्देशों से उसका सत्संग करके कथा श्रवण करने के बाद ही परमात्मा में अनुराग हो सकता है। क्यों? जब तक ये अज्ञान रूपी ये भ्रम नहीं भागेगा, जब तक ये अज्ञान रूपी भ्रम नहीं भागेगा, तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए भ्रम को भागना जरूरी है। जब तक भ्रम, अच्छा भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि जो जो वस्तु है उसको वैसा न मान करके कुछ और मानना ही भ्रम है। जैसे आपने देखा कि कभी आप सोते हैं और सोते हुए उठ करके अगर घर में जाते हैं तो कहीं अगर रस्सी पड़ी हुई है तो उसको कभी कभी सर्प लगने लगता है तो डर जाते हैं, कभी कहीं कुछ लगने लगता है। जैसे भ्रांति हो जाना, जैसे जो चीज नहीं है और वो लगने लगना, तो संसार है नहीं लेकिन ये संसार सत्य दिखाई पड़ रहा है, यही भ्रम है, यही भ्रम है। ये भ्रम जब तक नहीं हटेगा कि केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन्मित तेवम रूपो विनश्यः सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेकः समुदाहतः। क्या सही है क्या गलत है, संसार असत्य है नश्वर है और परमात्मा ही केवल सत्य है, इसका भान ही विवेक है। और जब विवेक हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाता है, प्रीति हो जाती है और परमात्मा की कृपा मिल जाती है। तो नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हें घर घर में प्रतिष्ठित कर देंगे। नारद जी ने पुत्रों को जगाने का बड़ा प्रयास किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गीता का उद्घोष किया, वेदों की ऋचाओं को पढ़ा, अध्यात्म वेदांत सब कुछ सुनाया लेकिन कुछ जब नहीं निष्कर्ष निकला तो आकाशवाणी हुई, भगवान का स्मरण किया। देखो जब कोई समस्या आपके सामर्थ्य से हल ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वो समस्या भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। और जिस घड़ी आप वो समस्या छोड़ देंगे उसी क्षण परमात्मा उसका समाधान कर देगा, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारे अंदर कमी क्या है? विश्वास की तो कमी है परमात्मा में, हम उल्टा कर बैठे हैं। हमें परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए और संसार पर विचार करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है? संसार पर विश्वास करते हैं और परमात्मा पर बार बार विचार करते हैं, यह विडंबना है। और जैसे ही नारद जी समझ गए कि अब हमारे द्वारा हल नहीं निकलेगा तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया,
अपने को भगवान पर समर्पित कर दिया, प्रभु अब तू ही इसका कुछ हल कर सकता है। और जैसे ही अपने सरेंडर हुए नारद, जैसे ही नारद जी ने अपने को भगवान के चरणों में समर्पित किया, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोचेस ऑन दिस गिवन नंबर। मैं किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकता, आप ही सब करते हो, आप ही इस समस्या का हल निकालो। वैसी आकाशवाणी हुई नारद जी, एक तुम्हें सत्कर्म करना है और वो सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी उसी सत्कर्म को ढूंढने में लग गए, जिससे पूछे वो न बता पाए, जिससे पूछे न बता पाए, तो इसी को ढूंढते ढूंढते नारद जी बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंच गए और वहीं पर नारद जी की भेंट सनकादिक ऋषियों से होती है और यही बात बताते हैं नारद जी। तो जब ये सारी बात बताई तो सनकादिक जी ने कहा, नारद जी सारे वेदों और उपनिषदों का सार जो है वो श्रीमद्भागवत कथा है। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। नारद जी श्रीमद् भागवत कथा उसी तरह सारे वेदों और उपनिषदों का सार है जैसे नारद जी आम का जो पेड़ होता है ना, तो आम के वृक्ष में आम की जो जड़ है वो भी आम है, आम का तना है वो भी आम है, आम की डाल है वो भी आम है, आम के पत्ते हैं वो भी आम है, लेकिन जो रस जो स्वाद आम के फल में होता है वो आम के किसी अन्य भाग में नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे ही नारद जी ये है तो वेद, वेद रूपी उसका फल, वृक्ष का फल है ये, लेकिन इसका स्वाद अलग है, इसका ये अलग है उससे। जैसे आम के सारे वृक्ष से आम का फल स्वादिष्ट होता है, रसवान होता है, गुणवान होता है, ऐसे ही नारद जी ये वेदों से निकली हुई होकर के भी ये वेदों से सर्वथा अलग फल देने वाली है, अति उत्तम है। नारद जी ने शनकादिक के निर्देशों के अनुसार हरिद्वार में आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। सभी कथा श्रवण के लिए आए। शनकादिक ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा प्रांगण में दोनों पुष्ट पुत्रों के साथ प्रकट हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय हो। शनकादिक ने उसे कथा के अर्थ से निकला बताया, क्योंकि कथा श्रवण करने से ही भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। शनकादिक ने कहा, हम वरदान देते हैं आपको कि आप जो है भक्तों के हृदय में सर्वथा विराजमान होंगी। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार है भगवान का प्रवेश द्वार, भगवान के धाम का प्रवेश द्वार। आनंद घाट पर कथा हुई, अर्थात सभी ने बड़े ही आनंद के साथ कथा का श्रवण किया। कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए महाराज? बड़े ही आनंद के साथ। देखो दोनों में बड़ा अंतर है, कथा में आनंद आया और आनंद के साथ कथा का श्रवण किया। बोलो क्या करना चाहिए? आनंद के साथ कथा श्रवण करना चाहिए ना। हाँ, यही आनंद घाट पर कथा होने का तात्पर्य है।
भगवान की कथा को पूरी निष्ठा, समर्पण और आनंद के साथ श्रवण करना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होता है। प्यारे, जब भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई, दोनों पुत्र पुष्ट हो गए, तो नारद जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, भक्ति के दोनों पुत्र ही पुष्ट हुए हैं अथवा इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से और किसी का भी कल्याण हुआ है या हो सकता है? तो शनकादिक ने कहा, नारद जी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रतः विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशकामिन, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। नारद जी, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। नारद जी, जो अपने संपूर्ण जीवन पाप करते रहे हो, सदा दुराचार, जो सदा दुराचारी रहे हो, पाप के अलावा कुछ नहीं किया हो, सदा दुराचार रतः विमार्गगा, नारद जी और जो मार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर चलते रहे हो, सदा दुराचार रतः विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में जलते रहे हो, कुटिलाश कामिन, जो कुटिल रहे हो और कामी रहे हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। नारद जी, ऐसे महापात की भी यदि श्रद्धा के साथ 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो वो भी इस भव से पार हो जाते हैं, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटेने, परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। नारद जी, जो कायेन, कायेन माने शरीर से, वाचा जो वाणी से, मनसा माने मन से, अपि माने भी, पातकम माने जो पाप करते रहे हों, नित्यम प्रकुर्वन्ति जो नित्य करते रहे, सठा हटे नहीं है, हटवश जानबूझकर, परस्व पुष्टा दूसरों पर जो निर्भर, मलिना जिनका मन बहुत गंदा संदा, जो अपने मन को बहुत दूषित किए रहे हों, दुराशया जो बहुत दुर्भावना से ग्रसित रहे हों, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। नारद जी, ऐसे घोर पापी भी यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाता है, वो भी इस नरक से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते। इसलिए प्यारे, अरे जो बीत गया है गतम न सोचा, जो निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन जो बचा है उसका सदुपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो, करना चाहिए ना। समझ, एक माँ ने अपने बेटे को दूध लेने के लिए भेजा, बेटा इसमें 250 ग्राम दूध लिया, उसे ग्लास दे दिया एक, तो आपने देखा होगा कि किसी किसी ग्लास में नीचे भी कोई एक पतली कटोरी जैसी लगी होती है, छोटी सी तली में भी, वो ग्लास दे दिया। बच्चा ग्लास लेकर के दूध वाले के पास पहुंचा और कहा, अंकल जी इसमें 250 ग्राम दूध दे दो। दूध वाले ने उस ग्लास में दूध डाला, महाराज दूध उसमें आया 200 ग्राम। दूध वाले ने कहा, बेटा दूध तो इसमें 200 ग्राम आया, 50 ग्राम कहाँ दें? बच्चे ने ग्लास को उल्टा किया, बोले अंकल जी 50 ग्राम इधर दे दो। तो 50 ग्राम उसने उसमें डाल दिया। बच्चा दूध लेकर के घर आया, माँ से कहा, माँ दूध ले आया। माँ ने देखा दूध ले आया,
बेटा ये दूध तो तू लगभग 50 ग्राम होगा, ये इतना ही लाया? मैंने तो 250 ग्राम लाने के लिए कहा था, 200 ग्राम कहाँ है? अरे बोला माँ नाराज क्यों होती हो, 200 ग्राम इधर है। उसने गिलास फिर उल्टा किया तो जो 50 ग्राम था वो भी। माँ ने कहा बेटा 200 ग्राम तो तूने नष्ट ही कर दिया था, लेकिन ये 50 ग्राम बचा था इसको तो कम से कम बचाए रखता। महाराज जो निकल गया है कोई बात नहीं, जो अब बच गया है इसको भी अगर आपने सार्थक कर लिया तो आनंद जीवन में आने लगेगा, परमानंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं आपका बिगड़ेगा। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोच अस ऑन दिस गिवन नंबर। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़े शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़े तेरा, हरि की शरण आने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी, हरि बोल हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी, में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद। राधे पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा में ती में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा में ती में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद।
उन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार, पूछो उन फूलों से जाकर कैसी छाई है बहार। कब तलक राधे, कब तलक कांटों में सोया, कब तलक कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़े दिन हम सद हृदय से परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे, उसी दिन हमारी ये जितने संताप हैं, जितने क्लेश हैं, ये सब मुक्त हो जाएंगे हम इनसे। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को हमने शुद्ध नहीं कर पाया। सब कुछ कर लिया, हम चंद्रमा पर पहुंच गए और चंद्रमा को मन कहा गया, लेकिन अपने मन को नहीं शुद्ध कर पाया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी हम तुम्हें अब वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप विनिष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे पाप विनिष्ट हो जाते हैं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जिसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के पास एक सुंदर नगर बसा हुआ था, उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा सदहृदय था, सरल था, सज्जन था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। ज्ञान में वो दूसरे सूर्य के समान था, सज्जन था, विद्वान था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम धुंधली थी और बहुत कलह प्रिय थी, बात बात में कलह करती थी। ये आत्मदेव और कोई नहीं है, ये हमारी आत्मा ही आत्मदेव है, और इसकी जो बुद्धि है यही धुंधली है। वैसी बुद्धि जिसमें हर क्षण धुंध चलता रहे, धुंध चलता रहे, वही तो धुंधली। तो ये धुंधली बुद्धि इतनी क्रूर हो गई है कि ये किसी पर इसकी दया नहीं रही है, चाहे प्राणी पशु पक्षी समाज परिवार पति पुत्र सब। इतनी ये स्वार्थी हो गई है कि इसे अपने स्वार्थ के आगे सारे संबंध इसने विकृत कर रखे हैं, कुछ भी नहीं इसे दिखाई देता। ऐसी द्वंद में फंसी हुई बुद्धि को ही हम धुंधली कहते हैं, और कोई धुंधली नहीं है। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे
वहां की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाएं और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोचेस ऑन दिस गिवन नंबर। ये जो आत्मदेव की पत्नी थी, ये भी बड़ी कलह प्रिय थी, बड़ी कलह करती थी, बात बात में कलह, हर क्षण कलह, हर रात कलह, दिन में कलह, सोते बैठते उठते जागते। हमारी बुद्धि के अंदर भी कुछ न कुछ द्वंद चलता रहता हो, देखा होगा आपने। आप कहीं बैठे हो, कहीं खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, दिमाग में एक द्वंद हर समय चलता रहता है। यही धुंधली, ये धुंधली हर क्षण ऐसा परिवेश बनाती थी घर में कि आत्मदेव सुख से न रह पाए। लेकिन आत्मदेव ने अपने को इस बुद्धि से तटस्थ करके परमात्मा की शरण में लगा दिया था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। जो इस द्वंद रूपी बुद्धि से हट करके अपने को परमात्मा की उसमें शरण में तटस्थ कर लेता है, उसे कोई क्लेश नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। संत वो है जो दुख में भी सुख ढूंढ ले, दुख जैसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी जो घबराए ना, उसमें से भी सुख ढूंढ ले, दोष में भी जो गुण ढूंढ ले, वही तो संत है ना। लेकिन हमारी क्या विडंबना है, हम क्या करते हैं, हमें गुण तो अपने दिखाई देते हैं और दोष दूसरे में, बोलो यही यही हाल है ना। हमें गुण अपने हैं, क्या बात है यार, हमारे जैसा तो कोई नहीं है, अपने मन में ही खुश पड़े हैं आनंद। हमें गुण अपने में और दोष दूसरे में एकदम दिखाई दे जाते हैं, इतनी हमारी पैनी नजर है। लेकिन होता क्या है, एक उंगली आप उठाते हो ना, एक उंगली आप उठाते हो तो तीन उंगली आपकी तरफ इशारा करती हैं कि आपके अंदर हमसे तीन गुने भरे पड़े, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, तो इसके लिए हम क्या करें। ध्यान रख, आत्मदेव इस सबसे परे थे, वो दूसरे के अंदर दोष नहीं, अपनी पत्नी के अंदर दोष नहीं देखा, उन्होंने अपने अंदर दोष देखा, क्या बात, इसलिए दुखी नहीं हुए। जो अपने अंदर दोष देखता है और अपने अंदर के दोषों को देख करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है और दूसरे के अंदर जो गुण है उसको लेने का प्रयास करता है, वही आत्मदेव है, वही संत है, वही सज्जन है। ध्यान रखना, वही सज्जन है। एक संत थे महाराज, उनकी भी पत्नी बड़ी तेज तर्रार थी, तो कभी कभी संत तो संत, फकीर तो फकीर, उससे कोई मतलब नहीं, भोजन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो मिल जाए सो उसके लिए अमृत है, न मिल जाए तब भी ठीक है। तो एक संत थे, उनकी पत्नी बड़ा तेज थी, घर में कुछ रहा नहीं तो भोजन नहीं बना, भोजन नहीं बना तो एक दिन पत्नी ने दूसरे दिन कहा कि महाराज जी तो कुछ नहीं है, बड़ी समस्या है कि कल तो हम जल पी के लेट गई सो गई, अब ऐसे कैसे गुजारा होगा, क्या करें, घर में ऐसा अन्न नहीं है जो बना तक ले। विचार विमर्श चल रहा था तब तक एक शिष्य आ गया, भक्त आ गया संत का, गन्ने ले आया और गन्ने ला करके सर पे रख के लाया, उसने आंगन में डाल दिए। बोले महाराज ये लाए हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कर लें, ये तुच्छ भेंट मेरे द्वारा है, ये गन्ने के खेत में मेरे थे तो मैंने सोचा गुरुजी को पहले दें उसके बाद हम प्रारंभ करें, तो मैं ले आया, इन्हें कृपा पूर्वक आप स्वीकार करें। तो इन्हें तो ऐसा लगा कि अरे हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो अच्छे अवसर पर आ गए, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ले आए तुम, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है।
बैठा ला, जलपान कराया, और जलपान के लिए था ही क्या, जल पिला दिया बेचारों ने जो था, चला गया वो। अब पत्नी ने कहा ऐसा करो, आज बाजार है गांव का, इसमें ये गन्ने ले जाओ आप, और इन गन्नों को बेच करके और राशन ले आना उधर से कम आज का तो भोजन बन जाएगा, आज कर तो कम से कम हम भोजन कर लेंगे हम लोग। बोले ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाएंगे। तो गन्नों को सर पे रखा और पहुंचे बाजार में, गन्नों को खोल के रख दिया। अब जो आए वो गन्ना उठाए और चला जाए, जो आए वो गन्ना उठाए और चला जाए। सब गन्ने ले गए लोग, एक गन्ना रह गया। तो जब एक रहे बचा तो बोले अब कम से कम ये भी चला जाएगा लगता है, तो उसे उठा लिया, हाथ में पकड़ लिया और घर को चल दिया। घर पे पहुंचे, पत्नी इंतजार कर रही थी कि राशन ला रहे होंगे, जल्दी से भूख लगी है, दो दिन से कुछ नहीं खाया तो कुछ तो मिलेगा आज। उसी इंतजार में बाट जो रही थी खड़ी दरवाजे पर, देखा एक गन्ना लिए चले आ रहे हैं, तो सोचा होगा सब बिक गए, एक छोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब आगे आए तो देखा कि खाली चले आ रहे हैं, राशन भी नहीं साथ में, केवल गन्ना एक पकड़े आ रहे। बोले हो सकता कोई दूसरा ला रहा हो, शिष्य को दे दिया हो, बोला रहा हो। घर में घुस आए, अंदर चली गई, दो चार मिनट इंतजार किया, दूसरा कोई घुसा नहीं। बोली आप राशन नहीं लाए, गन्ने बेच दिए? बोले हाँ, गन्ने सब बेच दिए। बोले राशन? बोले राशन कहां से लाते? सब मिलो सब।